अगर आप लोग एक वेबसाइट को डेवलप कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप लोग उसको प्रोडक्शन में बहुत जल्दी पुश करें या फिर पुश करने का प्लान बनाएं। टेलविंड सीएसएस और वीट की सहायता से हम लोग बड़े आराम से अपने प्रोडक्शन बंडल्स बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में इसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और अपनी वेबसाइट का प्रोडक्शन बंडल तैयार करते हैं जो कि हम लोगों के ब्राउजर में शिप करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो अपनी वेबसाइट का प्रोडक्शन बिल्ड बनाने के लिए मैं एक बहुत ही बेसिक सी बात बोलूँगा कि आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपका जो बिल्ड स्टेप है वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए। अब ऑलरेडी क्योंकि हम लोग वीट का यूज़ कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर गूगल करूँगा वीट बिल्ड फॉर प्रोडक्शन, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि आप लोग प्रोडक्शन के लिए बिल्ड कर सकते हो वीट का कमांड इस्तेमाल करके। तो मैं यहाँ पर सिंपली कोई भी टेलविंड वेबसाइट खोल लेता हूँ। मैं अपनी ट्यूटोरियल 12 वाली वेबसाइट खोल लेता हूँ और मैं यहाँ पर करूँगा कि इसकी कॉपी बनाऊँगा और इसका नाम मैं दे दूँगा टेलविंड ट्यूटोरियल 13। ठीक है, तो टेलविंड ट्यूटोरियल 13 में दे दूँगा। और इसको खोलने के बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक स्क्रिप्ट ऐड करूँगा। तो पैकेज डॉट जेसन के अंदर मैं यहाँ पर एक बिल्ड स्क्रिप्ट ऐड करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बिल्ड और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वीट बिल्ड। ठीक है, सिंपल इतना काम किया मैंने। अब यहाँ पर मैं npm रन स्टार्ट रन करके आप लोग को दिखा देता हूँ ये वेबसाइट में क्या है और ये किस तरह से दिखती है। तो ये बहुत ही सिंपल सी वेबसाइट है। दिस इज़ अ 13 मार्जिन इस पर लिखा हुआ है, ऊपर कलर दिया हुआ है और इसमें ब्रेक पॉइंट्स भी लगे हुए हैं। अगर मैं आप लोग को दिखाऊँ तो इसका कलर भी चेंज होता है जब मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, इसको फ़ोन में खोलता हूँ या बड़ी स्क्रीन पर खोलता हूँ। एनीवेज मैं यहाँ पर करूँगा क्या, जल्दी से npm रन बिल्ड रन कर लूँगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो कि एक एरर आ गया है और ये एरर क्या है, एक एरर रोल ऑफ फेल्ड फॉर टू रिजॉल्व इम्पोर्ट स्टाइल और चीज़। मैं बताता हूँ ये एरर क्या है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोग को बताता हूँ ये एरर क्या है। बेसिकली क्या है कि आपको अपनी सारी की सारी जो CSS फाइल्स हैं उनको एज अ प्रॉपर रिलेटिव URL देना पड़ता है। तो style.css नहीं चलेगा, /style.css चल जाएगा। एंड होपफुली ये बिल्ड हो जाएगी। अब npm रन बिल्ड किया और ये कह रहा है बिल्डिंग फॉर प्रोडक्शन और इसने एक डिस्ट फोल्डर के अंदर मेरी वेबसाइट को बिल्ड कर दिया। मैं VS Code को बंद करूंगा, डिस्ट को खोलूंगा और इसके अंदर ये जो साइट है इसको मैं लाइव सर्वर में खोलूंगा। अब आपको नहीं पता लाइव सर्वर क्या है, तो एक डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट कर देता है ये। राइट क्लिक करके आप किसी भी फाइल में कुछ इस तरह से कर सकते हो ओपन विद लाइव सर्वर और एक सर्वर ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर प्रोडक्शन बिल्ड में क्या ऐसी चीज़ है जो कि हमारे डेवलपमेंट बिल्ड में नहीं थी। ये सबसे पहले जो डिस्ट के अंदर का मसाला है वो पूरी वेबसाइट है आपकी। डिस्ट के अंदर की सारी फाइल्स आपकी कंप्लीट वेबसाइट है विद एसेट्स। जहाँ पर बात होती है एसेट्स की, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सारी की सारी CSS फाइल्स, जावास्क्रिप्ट फाइल्स, कोई इमेज फाइल अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो वो सारी की सारी चीज़ें आप लोग को पूरी डिस्ट फोल्डर के अंदर मिल जाती है। अब यहाँ पर अगर आपको इस वेबसाइट को कहीं पर भी डिप्लॉय करना चाहे, वोल्टर पर हो, लिनोड पर हो, डिजिटलोशन हो, नेटलीफाई पर हो, गिटहब पर हो, कहीं पर भी आप लोग इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। स्टैटिक साइट को डिप्लॉय करने के वीडियोस मैंने पहले भी बना रखे हैं, तो आप लोग उनको चेकआउट कर सकते हो और आप लोग सिंपली इस फोल्डर को डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है, अब एसेट्स को अगर मैं आप लोग को खोल के दिखाऊँ, मैं यहाँ पर एसेट्स को खोल के दिखाता हूँ, तो आप देखो कि कितनी बढ़िया तरह से मिनीफाई कर दी गई है CSS फाइल। ये प्रोडक्शन के लिए ऑप्टिमाइज्ड है और ये कुछ इस प्रकार से ऑप्टिमाइज्ड है कि आप लोग को जब ब्राउज़र में ये दी जाए या किसी भी यूज़र को ये ब्राउज़र में दी जाए तो उसका कम से कम बैंडविड्थ का इस्तेमाल हो और आपकी साइट की स्पीड बेहतर हो। और तो और टेलविंड CSS के अंदर अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर MX8 की बात करूँ तो नहीं है, MX1 नहीं है, MX1 है आई गेस, इसमें MX1 है क्योंकि मैंने शायद MX1 यूज़ करी हुई है कहीं पर, MX13 यूज़ की हुई है तो MX1 उस 13 से दिखा रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पर MX13 है तो इसलिए ये MX1 दिखा रहा है। और जितनी भी क्लासेस, जितनी भी मुझे कहना चाहिए यूटिलिटी क्लासेस मैंने यूज़ नहीं करी हैं वो मुझे इस CSS में देखने को नहीं मिलेंगी। इस CSS का साइज़ क्या है, इस CSS का साइज़ काफ़ी छोटा होगा, सिर्फ 6 KB की CSS फाइल है। अगर मैं टेलविंड की जो कंप्लीट फाइल होती है उसकी बात करूँ तो उसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाएगा, डेफिनेटली मच लेसर देन 6 KB। इसके अंदर सिर्फ वो स्टाइल्स हैं जो कि मुझे प्रोडक्शन में शिप करने के लिए चाहिए अपनी इस वेबसाइट को लाइव बनाने के लिए। मैं राइट क्लिक करके अगर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दूं, यहाँ पर मेरे पास CSS फाइल के लिए कोई फॉर्मेटर अभी इंस्टॉल नहीं है, वरना ये मुझे फॉर्मेट करके दे देती। बट आप लोग ये चीज़ खुद से कर सकते हो, आप लोग देख लेना कि कौन कौन सी क्लासेस यहाँ पर यूज़ हो रही है और कौन कौन सी क्लासेस आपको यहाँ पर
index.be72.css ये जो फाइलें जनरेट हुई है उसके अंदर अवेलेबल है। तो यही था हमारा प्रोडक्शन में बिल्ड करने का तरीका वीट की सहायता से। बहुत ही सिंपल टू स्टेप प्रोसेस है। आपको एक कमांड ऐड करना है सबसे पहले तो package.json में, और package.json में कमांड को यहाँ पर ऐड करने के बाद आपको सिंपली उसको चला देना है, जैसे कि मैंने npm run build चला दिया। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मैंने अपनी साइट में कोई चेंजेस करी एंड दिस इज़ ग्रेट, ठीक है, तो आपको जो प्रोडक्शन बंडल है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज नहीं होगा, इसके अंदर दिस इज़ ग्रेट नहीं होगा कोई जादू से, आपको दोबारा बिल्ड करनी पड़ेगी साइट। तो npm run बिल्ड करूँगा, आप यहाँ पर नज़र रखना अपनी, देखो ये एंड दिस इज़ ग्रेट यहाँ पर आ गया। अगर आपने नज़र नहीं रखी थी तो थोड़ा पीछे करके देखो, जो चेंजेस थे वो यहाँ पर अपडेट हो गए और ये आपका नया मैं कहूँगा प्रोडक्शन बंडल है, ठीक है। आप इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर के कंटेंट को डाल सकते हो DigitalOcean ऐप प्लेटफॉर्म पर, या फिर आप किसी और सर्विस का अगर इस्तेमाल कर रहे हो अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय करने के लिए, तो वहाँ पर आप लोग ये सब डाल सकते हो, जस्ट लाइक अ नॉर्मल स्टैटिक साइट इसको डिप्लॉय किया जा सकता है। आई होप आपको ये तरीका समझ में आ गया, और अगर आप लोगों ने टेलविंड की ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो इसको ज़रूर एक्सेस करें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।